अदाणी मोदी के रिश्तों पर विवाद अभी थमा नहीं था कि अब पवार अदाणी के रिश्तों पर सियासत गरमाने लगी है। मामले में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो पवार के खिलाफ ट्वीट करके दिखाइए। दरअसल असम के सीएम बुधवार को एक मीडिया कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो साथ ही राहुल गांधी को खुली चुनौती दे डाली। बता दें कि हेमंत बिस्वा सरमा ने शरद पवार की अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम अदाणी के दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। पूर्वोत्तर के लोगों को अदाणी, अंबानी और टाटा तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो मैं उन्हें शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की चुनौती देता हूं। पवार जी के अदाणी से रिश्तों पर सवाल कीजिए, ये लोग सहूलियत वाली राजनीति करते हैं। हेमंता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ट्वीट में आगे लिखा, राहुल गांधी बीजेपी और अदाणी पर कुछ ट्वीट करते हैं, लेकिन जब गौतम अडानी शरद पवार के घर जाते हैं और 2-3 घंटे बिताते हैं, क्यों राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता? मुझे शरद पवार के अदाणी जी से मिलने में कोई समस्या नहीं है। बता दें हाल ही में राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हेमंत बिस्वा सरमा, गुलाम नबी आजाद जैसे कुछ नेताओं का नाम अदाणी से जोड़ा था और लिखा था कि ये सच छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना लोगों को गुमराह करते हैं। राहुल के इसी ट्वीट को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने वायनाड के पूर्व सांसद पर मानहानि का मामला दर्ज कराने की चुनौती दी थी और कहा था कि असम के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुझे बताया था कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता होता कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है, कोई उन्हें ये ट्वीट करने के लिए कहता है। गौरतलब है अदाणी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी जांच की मांग के बीच गौतम अदाणी ने 20 अप्रैल को शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही सियासत गर्मा गई थी। फिलहाल असम के सीएम की इस चुनौती का राहुल क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।